टुकड़ा आप सभी की सेवा में दे रही हूँ। क्योंकि उधर से बुंदेलखंड का टुकड़ा आया है तो मैं सोच रही हूँ एक भोजपुरी हो जाए। गाया है भोजपुर वालों ने। क्या गाया बेटे? अरे नजर नके करो लग जाए, नजर नके करो लग जाए, नजर नके करो लग जाए, इस हुस्न की काठी में तो एगो निम्बुआ निम्बुआ निम्बुआ। अरे वाह बेटे, सही वाह। के एगो निम्बुआ दुई चार छह मिर्ची लटकाला चोटी में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भोजपुर वाले गा रहे हैं कि नजर नके करो लग जाए, इस हुसन की काठी में तो एक नींबू आद चार छे मिर्ची लटकाला चोटी में। लड़का बच्चा लेके चली गई, जबरदस्ती की कोई बात नहीं होगी। मतलब सुदामा जी को अपनी पत्नी पर रत्ती पर भरोसा ही नहीं रहा, सीधा यही विचार कर लिया कि कहां चली गई। मेरी बात सुनिएगा दादाजी। दादा तो छोड़ा को भी चल रहे के हरि के चक्र पे बसी अयोध्या, बसी हुई है। और जब अयोध्या मिली तो कुछ और भी मिल गया। क्या? के हरि के चक्र पे बसी अयोध्या, बगल में सरयू में लगा गोते। माता सरयू बह रही है तो हरि के चक्र पे बसी अयोध्या, सरयू में लगा गोते। नोट करिए कि एक पति पत्नियां तीन चार सुत आठ है पोते। देखो कितनी, एक पति पत्नी तीन, पुत्र कितने चार, और पोते कितने आठ। ओहो, इन्हीं का काम है वहां पर। तो पंक्ति कह रही है क्या के हरि के चक्र पे बसी अयोध्या, सरयू में लगा गोते। कुछ लोग समझ भी गए होंगे मैं जिनकी बात कर रही हूँ, बाद में बताऊंगी, अभी दादा खुद बता देंगे। ये ले बड़े। के हरि के चक्र पे बसी अयोध्या, सरयू में लगा गोते, तो एक पति पत्नियां तीन चार सुत आठ है पोते।
सब प्रस्तुतिकरण आपके माध्यम से हुआ है, होना भी चाहिए, क्योंकि जवाबी का मतलब यही होता है कि जवाब। देखिए, गीत चाहे दादा का हो चाहे रोशनी जी का हो, हमको बैठे रहने दी। गीत चाहे रोशनी जी का हो या दादा रतिराम जी का हो, गीत घर का लिखा होता है, स्वाभाविक है कि मजबूत होता है। 10-15 मिनट में कलाकार अपनी योग्यता अनुसार प्रयास ही करता है। कभी कभी घर में लिखे हुए गीत को एक महीने में एक गीत तैयार होता है, और 15 मिनट में उसका जवाब दे देना एक असंभव सी बात लगती है, लेकिन फिर भी कभी कभी प्रयास अगर सच्चा है तो जवाब हो जाता है। ये प्रयास दोनों तरफ से हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसका आकलन हम कर रहे हैं। और कार्यक्रम भी जैसा होना चाहिए साफ सुथरा, क्योंकि आजकल तो आधुनिक जमाना है, काफी लोग ऐंचा कसी पसंद करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कीर्तन में परिवर्तन हो रहा है कि धीरे धीरे जो बीच में खराब हो गया था धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है, और ये प्रक्रिया प्रारंभ है, प्रारंभ होती रहेगी। और शायद यही कारण है कि हमारे बैसवारा संकीर्तन उत्थान समिति का गठन हुआ है। इसके माध्यम से कीर्तन में जो नकारात्मक विचार हैं उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो समितियां अपना कार्यक्रम करवा रही हैं उसमें वो जा करके अपना सहयोग करती हैं, हंसी खुशी से कार्यक्रम में अपना योगदान देती हैं, और अच्छे व्यक्तित्व जो कीर्तन श्रोता हैं, जो कीर्तन आयोजक हैं, सबके लिए ये बैसवारा संकीर्तन उत्थान समिति के दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छे व्यक्तियों की सकता है जुड़े और कीर्तन को आगे बढ़ाए। आजकल आधुनिक जमाना है, हमारे यहां के छोटे छोटे बच्चे इस बात को तो जानते हैं कि मोबाइल में गूगल है, यूट्यूब है। ये हम बुजुर्गों का, आप बुजुर्गों का कर्तव्य है कि अपने सनातन धर्म की आस्था को जीवांत रखे साहित्यिक प्रसंगों के माध्यम से, और नहीं तो वो दौर भी आएगा जब हमारे नाती पोते पूछेंगे कि पापा राम कौन थे, कृष्ण कौन थे। इसलिए इस विषय का ध्यान रखें, और माता शीतला के दरबार में बेहतरीन कार्यक्रम हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसका प्रमाण आप सब हैं। सबके पास काम है लेकिन फिर भी आप लोग बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा चक्र रोशनी अंजान जी ने भी दिया है। अब मैं दोनों कलाकारों से एक निवेदन चाहता हूं कि साहित्य भी पड़ोसा जाए लेकिन हास्य रस में टुकड़ेबाजी भी होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। मैं बड़े जोशो खरोश के साथ में आमंत्रित करता हूं दादा रतिराम ज्ञानी जी को, आए अपने कुशल सक्षम साथियों के साथ में। एक बात और मैं अपनी ओर से एक मिनट का समय लेता हूं, समय ज्यादा नहीं लूंगा। आज यानी 31 दिसंबर करवा चौथ है, हैप्पी करवा, अच्छा कल है, एडवांस में हैप्पी करवा। आज 31 तारीख का मेरा कार्यक्रम लगा हुआ है, लेकिन माता शीतला के दरबार और यहां आप सभी से इतना प्रेम स्नेह है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं चला आया। अब मैं भी आज के संचालन का आखिरी दौर यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं, उसके बाद मैं घर जाऊंगा, आराम करूंगा, क्योंकि नाइट में मेरा भी कार्यक्रम लगा है। इसलिए विदा होते वक्त मैं आभार व्यक्त करता हूं मां शीतला नवयुवक कमेटी के प्रत्येक सदस्य का, और एक बार पुनः आशीर्वाद मांगता हूं मां शीतला मैया से कि सदैव अपना बरद हस्त हम पर, हुसैनगंज के जनमानस पर, श्रोताओं पर बनाए रखें। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपकी इसी समिति के एक ऐसे युवा जोशीले कर्मठ सदस्य है भाई राम शंकर यादव जी, वो हमारे बैसवारा संकीर्तन परिवार से जुड़े हुए हैं और वो अपना सहयोग कर रहे हो, आपकी हुसैनगंज की धरा का नाम भी रोशन कर रहे हैं, क्योंकि जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है वहां उनका असीम सहयोग भी रहता है। तो मैं आभार आप सभी का व्यक्त करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, आमंत्रित करता हूं दादा रतिराम ज्ञानी जी को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
बहुत बढ़िया। हेलो हेलो जी हेलो कुछ टिप्पणियां थी रोशनी जी ने की है। ये मैंने जो गीत गाया पहला तो मैंने उसमें तर्ज बता दी थी कि अल्लाह करे दिल ना लगे किसी से। रोशनी जी ने कहा दादा अब आपके लिए ये ठीक भी नहीं। मतलब एक बिटिया बाप को सलाह दे रही है कि दादा आपके लिए ठीक नहीं। बाप बिटिया को क्या सलाह दे अब ये बाप सोच ही नहीं पा रहा। नहीं सोच पा रहा हूं मैं। रोशन जी अगर कोई और होती तो जरूर मैं जवाब देता। हाँ। बड़ा अच्छा जवाब देता लेकिन अब आपसे मैं कुछ कहूंगा नहीं ना। करें ये आपके आराम करने के दिन हैं। अच्छी बात है अच्छी सलाह दी आप। हमको लगता है कि डॉक्टरी भी जानती हैं आप। मैंने जो इनके गीत का उत्तर दिया था रोशनी जी अगर ईमानदारी से देखती तो आपको इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने जो जवाब दिया था तो बिल्कुल वो सटीक था लेकिन आपने आपको कुछ नहीं टोकने को मिला तो कह रहे हैं कि मेरे गीत में क्रम लगा हुआ था क्रम चल रहा था। भगवान ने कभी माता जी को दाएं बिठाया कभी बाएं बिठाया कभी सामने बिठाया। रोशनी जी मेरे जवाब को आपने नहीं सुना था। मेरे भी गीत में था जी चल रहे बिल्कुल आपकी यात्रा मंगल। अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन कार्यक्रम है आपका तो मैं रोक भी नहीं सकता। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात बिल्कुल सत्य है। ईश्वर आपका कार्यक्रम सफल करे। रोशनी जी हमारे गीत में भी क्रम था। गंगा को कमंडल में स्थान मिला गंगा को शिव जी की जटा में स्थान मिला और गंगा को धरती पर स्थान मिला।